हेलो एवरीवन वेलकम टू कैच अप ऑन इंग्लिश तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आज की जो वीडियो है ये है नेचर यानी हमारे प्रकृति से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को लेकर हम लोग नेचर में हो रही इंसिडेंट को समझाने के लिए डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं और कभी कभी सोचते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले तो चलिए सीख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस विच डिस्क्राइब आवर नेचर सो फर्स्ट सेंटेंसेस हल्की हवा में पेड़ झूम रहे हैं द ट्रीज आर स्विंग इन द जेंटल ब्रीज द ट्रीज आर स्विंग इन द जेंटल ब्रीज पेड़ों पर पक्षियाँ मधुर गीत गा रहे हैं द बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स ऑन द ट्रीज द बर्ड्स आर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स ऑन द ट्रीज मेरे पैरों के नीचे की घास नर्म और हरी है the grass is soft and green under my feet the grass is soft and green under my feet the river is flowing calmly through the valley the river is flowing calmly through the valley रात के आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई चांद चारों ओर एक कोमल चमक बिखेर रहा है द मून इज कास्टिंग अ सॉफ्ट ग्लो ऑल अराउंड द मून इज कास्टिंग अ सॉफ्ट ग्लो ऑल अराउंड नीले आसमान पर नरम सफेद बादल तैर रहे हैं फ्लफी वाइट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग ऑन द ब्लू स्काई फ्लफी व्हाइट क्लाउड्स आर फ्लोटिंग ऑन द ब्लू स्काई ग्रामीण इलाकों में हवा ताज़ा और साफ है द एयर इन द कंट्री साइड इज़ फ्रेश एंड क्लीन द एयर इन द कंट्री साइड इज़ फ्रेश एंड क्लीन समुद्र तट रेतीला है और धूप में गर्म रहता है द बीच इज सैंडी एंड वॉर्म अंडर द सन द बीच इज सैंडी एंड वार्म अंडर द सन लहरें तट से टकरा रही है एक मधुर ध्वनि के साथ द वेव्स आर क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर विद अ सूदिंग साउंड द वेव्स आर क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर विद अ सूदिंग साउंड शहर शोर से गुलजार है द सिटी इज बासलिंग विथ नॉइज द सिटी इज बसलिंग विथ नॉइज़ प्रकृति सुंदरता और विविधता का अवतार है नेचर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी नेचर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी प्राकृतिक दुनिया जीवन से भरी हुई है सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर विशाल वृक्षों तक द नेचुरल वर्ल्ड इज टीमिंग विथ लाइफ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म two towering trees the natural world is teeming with life from the smallest microorganisms to towering trees sentence thode se maine chote aur bade dono type ke di hai ab se thode se long sentences hoge kuch kuch sentences thode se long honge theek hai एक फूल की नाजुक पंखुड़िया अपने जीवन रंगों से सबको मोह लेती है The delicate petals of a flower Fascinate everyone with their vibrant colors. The delicate petals of a flower fascinate everyone with their vibrant colors. Tufan Prakriti ki takat or rosh ka ek shaktishali pradarshan hai. A thunderstorm is a powerful display of nature's might and fury. A thunderstorm is a powerful display of nature's might and fury. समुद्र की विशालता विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है द वास्टनेस ऑफ द ओशन इंस्पायर्स ओ एंड वंडर द वास्टनेस ऑफ द ओशन इंस्पायर्स ओ एंड वांडर मुझे हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है आई लव टू लिसन द साउंड ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड आई लव टू लिसन द साउंड ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स इन द विंड तूफान के बाद इंद्रधनुष आशा और नवीकरण का प्रतीक है अ रेनबो आफ्टर अ अस्टॉम इज अ सिम्बॉल ऑफ होप एंड रिन्यूअल अ रेनबो आफ्टर अ अस्टॉम इज अ सिम्बॉल ऑफ होप एंड रिन्यूअल एक उथल पुथल झरने के साथ मन भी झूमने लगता है अलॉन्ग विथन अपहीवल वाटरफॉल द माइंड ऑल्सो स्टार्ट स्विंग एलोंग विथन अपहीवल वाटरफॉल द माइंड ऑल्सो स्टार्ट्स स्विंगिंग शरद ऋतु की हवा स्फूर्तिदायक और ताज़ा है द ऑटम एयर इज इनवेगोरेटिंग एंड रिफ्रेशिंग द ऑटम एयर इज इनवेगोरेटिंग एंड रिफ्रेशिंग स्फूर्तिदायक का मतलब है इन्विगरेटिंग चढ़ने वाले जानवरों से भरा घास का मैदान एक शांतिपूर्ण दृश्य है अ मिडो फुल ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इज अ पीसफुल सीन अ मिडो फुल ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स इज अ पीसफुल सीन सुबह पक्षियों की चहचहाहट एक सुकून देने वाली आवाज है द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग इज अ कम्फोर्टिंग साउंड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग इज अ कम्फोर्टिंग साउंड टूटते हुए तारे को आकाश में टकटकी लगाकर देखना जादू का पल है गेजिंग अप एट द स्काई एट अ शूटिंग स्टार इज अ मोमेंट ऑफ मैजिक Gazing up at the sky at a shooting star is a moment of magic. Tadse se ke takrane ki samudra ki ka ek shaktishali takaza The sound of waves crashing against the shore is a powerful reminder of the ocean's strength. The sound of waves crashing against the shore is a powerful reminder of the ocean's strength. अलाव की गंध एक सुखद और आरामदायक सुगंध है देखिए क्या होता है कभी कभी हम लोग इंग्लिश के कोई वर्ड से इतने फैमिलियर हो जाता है कि वो वही वर्ड हमें ज़्यादा ईजी लगता है अलाव कहते हैं कैंप फायर को हम कभी कोई कैंप में अगर गए हो तो वहाँ जो फायर जलाया जाता है जो आग जलाया जाता है उसे कहते हैं अलाव ओके okay, सो so, अलाव की गंध एक सुखद और आरामदायक सुगंध है द स्मेल ऑफ अ कैंप फायर इज अ कोजी एंड कम्फोर्टिंग सेंट द स्मेल ऑफ अ कैंप फायर इज अ कोजी एंड कम्फोर्टिंग सेंट जंगल का हरा भरा नज़ारा देखने लायक होता है द लाश ग्रीन ऑफ अ फॉरेस्ट इज अ साइट टू बी होल्ड द लाश ग्रीन ऑफ अ फॉरेस्ट इज साइट टू बी होल्ड तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग